पटचित्र मतलब मे लोग कलर बनाती है, मे लोग गा गा के सुनाती है, ऐसे लोग बोलते हैं पटचित्र। সাজের বেলায় যৌবনের জল কদম গাছে উঠে আবার বংশী বাজায় কে, কদম গাছে উঠে আবার বংশী বাজায় কে, না জানি কোন কালার সাথে মন মজেছে। সাজের বেলায় যৌবনের জল আনতে বলে কে, সাজের বেলায় যৌবনের জল আনতে বলে কে, সাজের বেলায় যৌবনের জল। ये जो कला है, ये कला परंपरा है मेरा, ये 400-500 साल पहले और ज़्यादा होगी, लेकिन मेरा दादाजी का दादाजी यही काम करती थी, फिर मेरा दादाजी यही काम कर रहा, मेरा पापा भी यही काम किया, मैं भी यही काम कर रहा हूँ, मेरा लड़का भी यही काम करेगी। तो ये जो कला है ये कलकत्ता का है। पटचित्र मतलब है, आज से 100 साल पहले का बात कर रहा हूँ मैं, तो 100 साल पहले मेरा दादाजी का पास मैं सुना था, जो पहले ये जो पटचित्र है बनाया था दादाजी ने, दादाजी का पापा मैंने परदादा भी बनाया। तो उन लोग क्या करती थी, उन उस टाइम में धान का खेती नहीं था और राजा राजा अमूल था ना, तो उसमें थोड़ा दिक्कत होती थी खाने पीने का और रोजगार पाती बहुत दिक्कत होती थी। तो उस टाइम में क्या किया, ये पटचित्र बनाया, बना के वो ग्राम में घर घर जाके दिखाया है, जे ये है राम लखन और दुर्गा जी का है, जित जो भी एक सब्जेक्ट है तो उसमें दिखाया है, जो ये एक रावण का है, ये देखो ये मनुष्य का है, हाँ ये दुर्गा जी का है, ये जो दुर्गा जी का एक पूरा बैकग्राउंड है उन्होंने बताया सबको, गाना भी गाया है। तो खुशी हो के वो ग्राम में थोड़ा चावल दाल आलू ऐसा देता था, तो उसी में रुजी रोजगार होती थी। उसका बाद मेरा दादाजी आया, दादा भी ऐसा करता रहता, फिर मेरा पापा भी आया ऐसा ही, लेकिन अभी दिन के दिन बहुत डेवलप हो रहा है, जो बेचने के लिए इसका और ई चाहिए, डेवलप चाहिए, जो इतना अच्छा हम लोग पेंटिंग बनाता हूँ तो इसका कदर क्या है, ये नहीं पूछता है किसी को। जो आर्ट कॉलेज में पढ़ के वो आर्ट बनाया है वो अलग आर्ट है, और ये अलग आर्ट है, वो फाइन आर्ट है, ये होता है फॉग आर्ट, इसको बोलती है फॉग आर्ट, इंग्लिश में इसको फॉग आर्ट बोलती है। लेकिन हम लोग का जो ये है, ये जो रावण कथा, लेकिन मेरा पढ़ाई नहीं है, फोर्थ क्लास पढ़ा हुआ, लेकिन इतना कहाँ से सीखाऊँ, ये तो आपको मन में आएगी कि कहाँ से सीखाऊँ मैं। तो ये परंपरा तो चला आ रहा है,